CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2। हिस्सा नसर, अफसाना, सवाने, ड्रामा, आप बीती, मजमून। तारुफ़े अफसाना। अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। तेजी से बदलते हुए जमाने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना खास कशिश रखता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज वहदते तासुर है। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी और तजुर्बों से मुताबकत रखते हों। अफसाना कहानी इख्तिसार के साथ जिंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाकयात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, कुरतुल एन हैदर और इंतजार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। उनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा किए जा चुके हैं। सबक राजेंद्र सिंह बेदी, तारुफ़े मुसन्निफ। राजेंद्र सिंह बेदी, पैदाइश 1915, वफात 1984। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डसका, जिला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिबे इल्मी के जमाने में अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियां लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 में डाकखाने की मुलाजमत से मुस्तफी होकर मरकजी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफा देकर बंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाया हुए हैं। दाना ओ दाम 1965, गिरहन 1942, आज़ादी से पहले शाया हो चुके थे, कोख जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए 1974 और मतकी बोध मुक्ति बोध और मुक्ति बोध 1982 आज़ादी के बाद मंजरे आम पर आए। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चीज़ें 1943 और 7 खेल 1946 शाया हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेलेट एक चादर मैली सी 1962 उनकी तसानीफ में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मकालमे बहुत मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज को गहरी नजर से देखते हैं,
बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तियारे और किनाए वजा किए हैं। पेश है अफसाना भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहां जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा, परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हानी को इकट्ठा कर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सब्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। हरी हर, हरी हर, हरी हर हरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले, तुम नन्नी के क्या होते हो? भाई। भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामूजी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे में पड़ने की कोशिश ना की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जोहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मिजराओं में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिस्म, उस पर मुसीबतों का मारा हुआ, जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं तकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँगने लगा।
ذرا توقف کے بعد مایا نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی۔ میں اپنی بہو کی سعادت مندی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اسے سینکڑوں دعائیں دیتے ہوئے میں نے کہا، مجھ بوڑھے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بٹیا۔ بھولا ابھی تک سویا نہ تھا، اس نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے پیٹ پر چڑھ گیا۔ بولا، بابا جی آپ آج کہانی نہیں سنائیں گے کیا؟ نہیں بیٹا، میں نے آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آج بہت تھک گیا ہوں، کل دوپہر کو تمہیں سناؤں گا۔ بھولے نے روٹتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارا بھولا نہیں بابا، میں ماتا جی کا بھولا ہوں۔ بھولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایسی بات کبھی برداشت نہیں کی۔ میں ہمیشہ اس سے یہی سننے کا عادی تھا کہ بھولا بابا جی کا ہے، ماتا جی کا نہیں۔ مگر اس دن ہلوں کو کندھے پر اٹھا کر 6 میل تک لے جانے اور پیدل ہی واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ شاید میں اتنا نہ تھکتا اگر میرا نیا جوتا ایڑی کو نہ دباتا اور اس وجہ سے میرے پاؤں میں ٹیسیں نہ اٹھتیں۔ اس غیر معمولی تھکن کے باعث میں نے بھولے کی وہ بات بھی برداشت کی۔ میں آسمان میں ستاروں کو دیکھنے لگا۔ آسمان کے جنوبی گوشے میں ایک ستارہ مشال کی طرح روشن تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ مدھم ہونے لگا۔ میں اونگھتے اونگھتے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ بھولا سوچتا ہوگا کہ کل رات بابا نے میری بات کس طرح برداشت کی۔ میں اس خیال سے لرز گیا کہ بھولے کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آیا ہو کہ اب بابا میری پرواہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صبح کے وقت اس نے میری گود میں آنے سے انکار کر دیا اور بولا، میں نہیں آؤں گا تیرے پاس بابا۔ کیوں بھولے؟ بھولا بابا جی کا نہیں، بھولا ماتا جی کا ہے۔ میں نے بھولے کو مٹھائی کے لالچ سے منا لیا اور چند ہی لمحات میں بھولا بابا جی کا بن گیا اور اپنی ننھی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹے ہوئے کمبل کو لپیٹنے لگا۔ مایا ہری ہر استوتر پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤ بھر مکھن نکالا اور اسے کوزے میں ڈال کر کنویں کے صاف پانی سے چھاچھ کی کھٹاس کو دھو ڈالا۔ اب مایا نے اپنے بھائی کے لیے سیر کے قریب مکھن تیار کر لیا تھا۔ میں بہن بھائی کے اس پیار کے جذبے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے دل میں کہا، عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی خاوند بچے سب سے وہ بہت ہی پیار کرتی ہے اور اتنا کرنے پر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک دل کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے۔ بھولے نے دونوں ہاتھ میرے گالوں کی جھریوں پر رکھے، مایا کی طرف سے چہرے کو ہٹا کر اپنی طرف کر لیا اور بولا، بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کس بات کا بیٹا؟ تمہیں آج دوپہر کو مجھے کہانی سنانی ہے۔ آ بیٹا، میں نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بھولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ وقت سے آدھ گھنٹے پیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا، میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاؤ سے۔ میں نے معمول سے آدھ گھنٹہ پہلے کھانا کھایا۔ ابھی آخری نوالا میں نے توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی ایک جریب تھی۔ اس نے کہا کہ خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے، پھر نہیں۔ دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا۔ بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا سا تکیا بھی ایک طرف رکھ دیا اور پائتی پر پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔
अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़े करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं, तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता शब आसमान के एक कोने में मशाल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता ना, आप कम से कम आराम तो कर लें। मैंने जेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले भोले मेरे बच्चे। मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी को भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पाइंती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसुर्दा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलक न हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामूजी के देश रे घोड़े, मामूजी के देश, चल मामूजी के देश रे घोड़े, मामूजी के देश, मामूजी के देश, हाँ 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 मामूजी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामूजान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामूजान अगन बोट लाएंगे, मामूजी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामूजी के सर पर मक्की के भुट्टो का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। हाँ, मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत जहीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामूजी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माताजी को और फिर मुझे अपने मामूजी के आने की खबर सुनाए। दियों को दियासलाई दिखाई गई।
जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी, भैया अभी तक नहीं आए। किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माताजी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएंगे तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्मो नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो। और बंसी के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, भाई भी नहीं? नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मांद पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे? मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है, वो निहायत सब्र से अध्याय के खत्म और महात्म के शुरू होने का इंतजार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी आंख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफकत से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कुछ कहने की गरज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। एन उस तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी एक आध घंटे तक सो लेता, फिर दो घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो, मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थीं और इसलिए मैंने भोले को अपने पास लेटा लिया।
मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबराकर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा, माया को जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया मां थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। मैं औरतों से ज्यादा रो पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बिनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था, उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूमकर देखा, माया बेहोश हो गई थी, उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खींची हुई और आंखें पथराई हुई थीं, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थीं। मैं सच कहता हूं, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरजते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। आह, मगर जिसकी कजा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बीका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी, देखो मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पालकर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। मां के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूं कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी उधर। जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ, बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। सफ़ा 13। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। मेरा भोला कहाँ चला गया था। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा,
उस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने उसके उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और पापा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। मश्क लब्जो मानी कूजा मिट्टी का छोटा प्याला कुल्हड़ सफेदी सफेदी खुश अलहान अच्छी आवाज वाला सब्त करना निशान बनाना नक्श बैठाना रूह फरसा रूह को तकलीफ देने वाला ताबे तहत पाबंद जोहड़ छोटा तालाब गढ़ा दूब हरी नर्म छोटी घास मुकफ़िल ताला लगा हुआ बंद मखमसे या मखमसा उलझन झंझट अध्याय बाब अस्तोत्र वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो मजरा या मुजर्रा खेती यास ना उम्मीदी मायूसी तवक्कुफ वक्फा खानकाह किसी पीर बुजुर्ग या सूफी के रहने और इबादत करने की जगह पटवारी जमीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम जरीब नापने वाली जंजीर या पैमाना वो जंजीर जिससे जमीन की पैमाइश की जाती है पायती पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं तवाज़े खातिर मुदारात मबनी मुनहसर जेरे लब होंठों होंठों में आहिस्ता नमनाक भीगा हुआ इस्तराहत आराम शाना कंधा कैद बा मशक्कत कैद की वो सजा जिसमें मेहनत भी शामिल हो निजात रिहाई आजादी छुटकारा दहलीज चौखट अगन बोट भाप से चलने वाली कश्ती सुहागवती सुहागन जिसका शौहर जिंदा हो नाम रोशन करना मुहावरा शोहरत होना मशहूर होना मुतफक्कराना गौर व फिक्र के अंदाज में फर्त मसर्रत खुशी की ज्यादती रिक्कत रोने की कैफियत रुहासा होना गलबा फतेह कामयाबी बरतरी अख्तर शुमारी सितारे गिनना शिक होना फटना टुकड़े टुकड़े होना मन्नत मानना नजर मानना मुराद पूरी होने पर इबादत करने या सदका करने की नीयत करना पथराई आंख बेहिसो हरकत या ठहरी हुई आंख खाना खराब जिसका घर बर्बाद हो जाए शिशदर हक्का बक्का हैरान गौर करने की बात। इस अफसाने में भोला की भोली भाली बातें उसकी जहानत और शरारत और फिर अचानक उसका गायब हो जाना दिलचस्प और पुरअसर अंदाज में बयान किया गया है। अफसाने में भोला के किरदार के जरिए एक बच्चे की नफ्सियात बड़ी खूबी के साथ पेश की गई है। उस जमाने में बेवा औरत का समाज में कोई मकाम नहीं था और ये समझा जाता था कि जिस औरत का शौहर मर गया हो उसे दुनिया में जीने का हक नहीं, ना तो वो अच्छा खाना खा सकती है न रंगीन लिबास पहन सकती है। मुसन्निफ ने इस अफसाने में बूढ़े दादा के जरिए समाज के उस रवैये की मुखालिफत की है ताकि बेवा औरत को समाज में बेहतर मुकाम हासिल हो सके।
सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? सवाल नंबर दो, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नजर नहीं आ रही थी? सवाल नंबर तीन, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है? सवाल नंबर चार, भोला कहाँ चला गया था और क्यों? अमली काम। नंबर एक, भोला की वापसी के मंजर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। नंबर दो, इस सबक में कुछ मुहावरे आए हैं जैसे नाम रोशन करना, आप भी ऐसे चंद मुहावरे तलाश करके लिखिए। नंबर तीन, अफसाने में कुछ हिंदी के अल्फाज आए हैं, उन्हें लिखिए। नंबर चार, अफसाने के आगाज में राखी बांधने का जिक्र आया है, इस त्योहार का क्या नाम है और इसे कैसे मनाया जाता है, इस पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। नवाए उर्दू भाग दो, पेशकश CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।